ये दोस्तों, आजकल सभी लोग कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर रुपए कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड लिखा होता है, चाहे ये कार्ड हमने किसी भी बैंक से लिया हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड में क्या अंतर होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इनके बीच क्या अंतर है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, 20 मार्च 2012 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए कार्ड को लॉन्च किया था। रुपए भारत का अपना एक डोमेस्टिक नेटवर्क है, जो वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, डिनर क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क की तरह डेवलप किया गया है। दोस्तों, बैंक में एटीएम यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद बैंक आपको 3 तरह के एटीएम कार्ड देती है, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड। रुपए कार्ड इंडियन डोमेस्टिक कार्ड है, जिसे 2012 में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक इंडियन पेमेंट गेटवे है। ये कार्ड भी वही काम करता है जो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड करते हैं, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड विदेशी कंपनियां हैं और इनका कमीशन भी ज्यादा है, लेकिन रुपए कार्ड भारतीय कंपनी होने के कारण इसका कमीशन भी कम है। दोस्तों, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड एक विदेशी पेमेंट गेटवे है, जो दुनिया के ज्यादातर देशों के बैंकों को अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे की सुविधा मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में कोई खास अंतर नहीं होता। ये दोनों एक जैसे एटीएम कार्ड है और इनका काम भी एक जैसा ही है। आपको बता दें कि मास्टर और वीजा कार्ड दोनों ही इंटरनेशनल कार्ड है, इसी वजह से इन कार्ड से हर जगह आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि रुपए कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या अंतर होता है। बता दें कि रुपए कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, जबकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। इन तीनों डेबिट कार्ड के बीच मुख्य अंतर इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि रुपए कार्ड भारत का खुद का कार्ड है, जबकि मास्टर कार्ड और वीजा विदेशी कंपनी है, इसलिए रुपए कार्ड की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड एक अमेरिकन कंपनी है, और जब हम इनके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए उस कंपनी के सर्वर पर जाता है, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, जबकि रुपए कार्ड का इस्तेमाल करने पर डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए अपने देश में ही रहता है, इससे इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। आपको बता दें कि रुपए कार्ड डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया, इसलिए इनका इस्तेमाल वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता। रुपए कार्ड का उपयोग करने की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन लेन देन के लिए केवल डेबिट कार्ड ही प्रदान करता है, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्रदान करता है। बैंकों को वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी पेमेंट नेटवर्क गेटवे में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन ऐसा रुपए कार्ड में नहीं करना पड़ता। बिना किसी फीस के कोई भी बैंक रुपए नेटवर्क में शामिल हो सकता है। इंटरनेशनल कार्ड की तुलना में देखा जाए तो रुपए कार्ड अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसका संचालन केवल भारत के भीतर ही सीमित है, लेकिन वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों का डेटा प्रोसेसिंग के लिए विदेश जाता है, इसीलिए डेटा चोरी होने का जोखिम बना रहता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि रुपए कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या अंतर होता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।